नेता आशीष अमर उजाला से, और इस वक्त हूँ मैं मुंबई में, मुंबई के मरीन ड्राइव पे। मैं लोगों से मिजाज समझ रहा हूँ कि किस तरीके का महाराष्ट्र में चुनाव चल रहा है, महाराष्ट्र का सियासी ताप कितना है। तमाम चीज़ों से बात करने के लिए हमारे साथ मुंबई के बहुत सारे यूथ यहाँ पे जुड़ गए हैं। उनसे जानते हैं और समझते क्या है उनका अपना एजेंडा और किस मुद्दे पर वो लोग वोट करने वाले। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है अली खान। तो अली खान, ये बताओ आपका पहला वोट होगा? हाँ, क्या क्या जब आप वोट देने जाते हो या वोट देने जाओगे तो क्या आपके दिमाग में होगा? आपको लग रहा है क्या, किन मुद्दों पर चुनाव हो रहा है और किन मुद्दों पर आप वोट देने वाले हो, बताओ। मैं तो यही मुद्दे पे वोट दूंगा कि देश की सरकार बदलनी चाहिए। देश की सरकार बदलेंगी तो हम बदलेंगे, और हम बदलेंगे तो देश का विकास होएगा। तो क्यों आपको लगता है सरकार बदलनी चाहिए, क्यों आपको लगता है कि दूसरी सरकारें आनी चाहिए, और इसके पीछे लॉजिक क्या है, वो भी थोड़ा सा अगर आप तफसील से बताएं। मुझे तो अभी तक ये लगा, देश की सरकार अभी तक जो आई थी उसने तो अभी तक कुछ नहीं किया, अब उसको भी कर देख लेंगे। पुरानी सरकारें थी, लोगों ने काम किया? काम उन्होंने अभी तक तो नहीं किया, अब नई सरकार आएंगी वो देखेंगे क्या काम करेंगे। तो आपका पहला वोट है, आप फर्स्ट टाइम वोटर हो, तो जब आप वोट के बारे में सोचते हो तो आपके दिमाग में कौन कौन से दो तीन मुद्दे होते हैं वो बताओ आप खुल करके। क्या आपको लगता है कि किन चीज़ों को आप दिमाग में रखते हो जब आप वोट देने जाओगे, क्या चीज़ें आपके दिमाग में होंगी? पहले तो देश का विकास होना चाहिए, नंबर एक। तो देश का विकास तो हो ही रहा है, महंगाई कम होनी चाहिए, महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। ओके, और युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए बोले तो, नौकरियां लोगों को कम मिल रही है, नौकरी मिलनी चाहिए लोगों को। नौकरी के लिए बोले तो बाहर देश जाना पड़ रहा है, अपने इंडिया से मैक्सिमम आज बहुत से लोग जो है तो बाहर देश जाकर, बाहर कंट्री जाकर। इतने मुंबई के लोग ज़्यादातर बाहर जाते हैं, लेकिन मुंबई के नहीं, पूरे देश के लोग जा रहे हैं। हाँ, पूरे देश के ही जा रहे हैं बाहर, हमारे इधर से भी बाहर जाकर नौकरी कर रहे हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पूरे देश के लोग जो है तो अपने देश में भी ऐसा भी होना चाहिए। यही सरकार आपको रोजगार मुहैया करा दे, कब कराएंगी ये तो बताना ना हमें। आपका नाम क्या है? हमारा साहिल खान नाम है। साहिल, आप बताओ, आप पहली बार वोट करने वाले हो, क्या आपके दिमाग में चीजें आएंगी, आप बताओ। हमारे दिमाग में चीजें यही है, अपने अपने जो रेगुलर की यूज है वो है, पेट्रोल और गैस है, उसके महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। उसके महंगाई को देखकर, अपने सरकार के ऊपर देखकर, अपने युवा पीढ़ी को जॉब नहीं मिल रही है, उन्हें इतनी मेहनत कर रही है, जॉब नहीं है, काम नहीं है, रोजगार नहीं है, जिससे सरकार को देखना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो ये सब नहीं कर रही है? भारतीय जनता सरकार कर रही है, बहुत बेहतर नहीं कर रही है। आपको लगता है कि और बेहतर होना, और बेहतर होना चाहिए? तो उस बेहतर के लिए क्या आप कर रहे हैं कि जो सरकार है आप उसको पसंद कर रहे हैं? आपको लगता है कि नहीं, कुछ नई चीज़ नई चीज़ होना चाहिए, नई सरकार होना चाहिए। इस अब तक तो 10 साल हो गए अपने पीएम को लेके, हमें बदल के देखेंगे अपने देश का विकास। यहाँ पर तो शिवसेना और एनसीपी और दूसरी और बहुत सारी पार्टियाँ हैं जो पहले किसी के साथ थी, अब किसी के साथ, पूरी सियासत बदल गई। तुम्हें पता है इस बारे में? कुछ नहीं पता है, तुम तो पहले वोटर हो ना। हाँ। पता है इस बारे में? नहीं, ये नहीं पता है आपको कि पहले कौन किसके साथ था, ये कुछ नहीं पता है। चलिए, और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं। एक दो लोग आप बताओ बताओ बताओ, आपका नाम क्या है? पवन। तो कहाँ के रहने वाले हो? मेरे को जाना है। एमपी के रहने वाले हो? तो यहाँ बॉम्बे में क्या घूमने आए हो? नहीं, इधर काम करते हैं। अच्छा, काम करते हो। वोट वोट दिया नहीं दिया है? नहीं, वोट करते। क्या बता रहे हो आप, बताओ आपको क्या लगता है? मध्य प्रदेश से आप यहाँ पे आए हो नौकरी पेशे के लिए आए हो आप जी, तो क्या मध्य प्रदेश में आपको जॉब नहीं थी या यहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी? नहीं, ज़्यादा अपॉर्चुनिटी। हाँ, तो आपको लगता है कि बॉम्बे में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी? हाँ, तो आप बेहतर तरीके से अच्छा कमा रहे हैं। अच्छा कमा रहे हैं। तो आपने वोट उठ कर दिया नहीं किया? नहीं, वोट डाला है। गवर्नमेंट अच्छी है, गवर्नमेंट अच्छी है, बीजेपी हमारे अच्छी है। तो आपको लगता है कि जो चुनाव होगा वो अच्छा है? मोदी आएंगे। मोदी आएंगे? हाँ। क्यों आएंगे मोदी? मतलब मैं एक, आप यू तो आप बताओ क्यों आएंगे? नहीं, एमपी में अच्छा काम किया ना, इसलिए आएंगे। हाँ। तो आपको लगता है कि एमपी में विकास, राहुल और मोदी को जब आप कंपेयर करते हो तो आपको लगता है कि कौन नेता अच्छा है? मोदी जी है, और कोई नहीं है। आप भी वही मानते हो? मोदी जी? मोदी जी। तो क्या मोदी जी में अच्छा लगता है आपको, उधर देख के बताओ क्या अच्छा लगता है मोदी? मोदी अच्छा लगता है। मोदी अच्छा लगता है, लेकिन मोदी के कुछ काम भी अच्छे लगते होंगे, बताओ। काम भी अच्छा है। अच्छा काम कहना ना, हाँ हाँ, जैसे बता दो। आप भी कुछ बता दो, दो काम बता दो, मतलब अच्छा ही होगा जैसे, मतलब कुछ तो अच्छी चीज़ है। अच्छे रोड बन रहे हैं, सरकार बिल्डिंग बन रहे हैं, बड़े बड़े लोग,
विकास हो रहा है, डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम अच्छा हो रहा है। सबसे बड़ा पावर प्लांट हमारे एमपी में लगा है, फटाफट नहीं मिलता है। हाँ अच्छा, ये पैसा मिल जाता है फटाफट, है ना? जो फटाफट पैसा मिलने का मतलब क्या बात कर रहे हो? जो आपके अकाउंट में पैसा आता है सीधा, उसकी बात कर रहे हो? तो आपके घर में जो परिवार में लोग हैं उनके घर पे पैसा आता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।